यह बहुत बड़े चिंतित समाज है। अगर हम इसकी कदर करें, अगर हम इसकी कदर करें और इनको सही कदर करें तो याद रखो ताकत की अवस्था की जिंदगी हमारे कारण है। और भगवान का अगर हमें इन मौका की कदर ना की तो आकर जैसे पहचाना पड़ेगा और वो पहचाना चिंता नहीं है। हमारे अभ्यास ने इस अवकाश की कदर की है। अगर शैतानी का नवरंगा मंत्र हो रायपुर हजरत रायपुरी हजरतुल्ला आने के बाद जाया करते थे। ऐसा दादा जाते हुए रास्ते में एक शख्स उनको मिला और उसने हजरत को नहीं कहा लेकिन हजरत के अनुसार दूसरा शख्स कहा उसको धमकाया और धमकाने में 5 मिनट खर्च हो गए। 5 घंटे में सिर्फ 5 मिनट उसके अंदर खर्च हो गए तो हजरत शेखुल हदीस का सम्मान मतलब हो गए। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने साथ हाजिर होकर सबसे पहले यही अर्ज किया कि हजरत हम यहां आपके पास अपने औकात की मदद करने के लिए आते हैं कि औकात कितना बढ़ाते रहेंगे। एक शख्स हमें हमें मिला और उसने हमारे पास में हिदायत कर दी अगर हमारे पास 5 मिनट की तरह गायब होंगे तो आपके पास आया गया। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों अकादमी के पास और मदाय के पास जाने का असल मकसद यही है कि हमें अपने औकात की कदर करनी है और इस औकात को हम सही गुजारने वाले हैं। ये जो तैयार मुस्लान हमारा सारा है अपने कर्म में हम हमारे मुबारक के अदा करवाए हैं कि बड़े कीमती मौका है। ये बड़े कीमती मौका है और हम इनको चौराहों में पर बैठकर वाही तबाही बातें करके मुबारकों में और दर्शन में इन मौका को भरे कर रहे हैं। यह हमारी बहुत अच्छी नाजी है। अकादमी ने जिस तरह इसके इन मौका की कदर की है अंदर राजपुरी अस्पताल के यहां 24 घंटे माने मुबारक में किसी से बात नहीं की जा सकती। हर वक्त मुबारक आपकी इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ तराबी के बाद जितनी देर में हजरत साबी चाय का एक इंतजाम तैयारी है इतनी देर में हम वरना हर वक्त में खुद भी हजरत और जो हजरत के पास आने वाले थे वो भी तिलावत के अंदर मशहूर रहे थे। हजरत शैतानी साहब और अल्लाह का हो जिनके हम हमारे नामा करते हैं उन्होंने अपने पिता लिखा है कि मैं जो पारा तराबी के अंदर पढ़ा करता था हमारे मुबारक में उसको 40 मरतबा रोजा करता तराबी का पारा रोजाना 40 मरतबा उसको पढ़ता था और फिर उनकी तरबीत लिखती है कि इसी तरीके से मैं उसको पढ़ता था।
और पहली कतार में पूरा पुराने का
जब तक उसको डरना था वो बाहर है, अगर वो
محترم بزرگ اور دوستوں اور کرنے کی بات ہے. تو شاید نے بتایا کہ اس سے معنی ہے گھر کا مرادی. ہم بچوں کی صحیح تربیت قدر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے جب ہمارا تعارف کرائیں گے تو کس طریقے سے تعارف ہو جائے گا. باپ کے بارے میں اپنے دوستوں اور باپ کو کے درمیان بیٹھا ہوا اور جوان بچہ کہہ رہا ہے کہ دھندا بنا دے. اگر ہم اس کی نہیں تربیت کریں گے جس کو ماں باپ کے حقوق بتائیں گے, ماں باپ کے حقوق سکھائیں گے, پڑوسی کے حقوق اس کو سکھائیں گے, اس کی صحیح تربیت کریں گے, اس کو دینی تعلیم دلائیں گے, پھر ایسا نہیں ہوگا. اگر ہم بزرگ اور دوستوں سے سوچنا چاہیے جناب اللہ تعالیٰ معلوم کریں گے کہ اس کو حرام کریں گے.
शैतान भी शर्माता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहां तक हो सके माल के कमाने के अंदर भी कोई आजाद नहीं है और माल के खर्च करने में भी आजाद नहीं है। इसलिए हमें हजार तरीके पर पढ़ाना चाहिए और हजार में आकर इसको अलग करना चाहिए। शरीर जहां इसकी इजाजत के बाहर खर्च करे और जहां से शरीर खाना करे उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों को इसकी दावत देनी चाहिए, दूसरों को भी इसे मना करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इल्म हमें दिया है तो उसके बारे में भी सवाल होगा कि तुम जो दीन मसाइल जानते थे उन पर कितना अमल किया। बाद लोग ये कहते हैं कि हम दीनी मसाइल जानते ही नहीं है, लेकिन न जानता कोई शरीयत के अंदर मुतबर नहीं होगा। दीनी मसाइल का न जानना ये मुस्तकिल के अंदर जुर्म है, उसकी भी हमें सजा हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों हमें चाहिए कि हम जहां तक हो सके शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें और शरीयत के ऊपर हम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला बताना फरमाते हैं जो डर घड़ेगा अपने डर के कारण खड़ा होते थे और आहिंदा में नुकसानी कैसे रुकेगा जब नुकसान कर रहा हो। तो मक्का के बुजुर्ग और लोगों को हमें चाहिए कि हम जहां तक हो सके शरीर से मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। मैंने एक बार किताब में साल में पढ़ी है कि जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह का तरीका या रसूलुल्लाह क्या है, आपने इरशाद फरमाया इसलिए आदमी अगर जबान को काबू में नहीं रखेगा और इसको वाहियात को पूरा पास में चलाएगा तो याद रखो कि बहुत अच्छी हलाकत है इसके अंदर, इसके अंदर मुजमर है। जबान की मिसाल ऐसी है जैसा कि छुरी, छुरी से आदमी मेहमान के सामने बेहतरीन किस्म का हर मिसाल ले सकता है और उससे हर गुलाब प्रकार करता है। इसी तरह जबान के जरिए से दूसरे को आदमी ऐसे अंदाज में बात करे कि उससे उसके दिल को जीते और दुनिया आदत की कामयाबी को हासिल हो जाए, ऐसी तरीका भी तैयार कर सकता है और इस जबान के जरिए से बड़े बड़े गुनाह भी कर सकते हैं। कोई आदमी किसी की पीठ के जरिए निपट करे तो जरा भगवान मुझे अनुभव सुनना है मानते हैं कि निपट करने की वजह से जितने आमारे कार्यक्रम उसने जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत में जाने के लिए किए थे वो सब समय चाहिए कि हम अपने जवाब को रोक कर जाए बात किससे निकाले जाए बात कुरान से निकाले ना जाए बात मन कुरान पाक की तिलावत है, इसके पार करें दरूद शरीफ करें अल्लाह का जिक्र करें, ये सब जगह ऐसी चीजें हैं जिससे दुनिया और आखिरत का आना है। दूसरे की फरमाए आदमी को दीनी जरूरत हो या दुनिया की जरूरत उसके लिए घर से बाहर निकले और अगर दीनी या दुनिया की कोई जरूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि जगह जगह पर शैतानी अड्डे हैं और वहां जाकर हम शैतानी चारों में कहीं मुबतला हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि जहां तक हो सके घर के अंदर जिंदगी गुजार ले और घर से अगर बाहर निकले या तो दीनी जरूरत वक्त के अपना पति अपने गुनाहों को याद कर करके उनके ऊपर आंसू।
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق صالحہ اپنے